हेलो क्लास, वेलकम। सो आज आपका जो हम डिस्कशन कर रहे थे वेदर एंड क्लाइमेट चैप्टर में, सो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट, हम उसके बारे में पढ़ रहे थे कि कौन से फैक्टर हैं जो कि क्लाइमेट पे असर डालते हैं, है ना। हम यही जान रहे थे कि क्लाइमेट पे असर डालने वाले फैक्टर्स कौन से हैं। तो उस पर हमने देखा था कि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, हाइट अबव द सी लेवल, ये दो चीज़ें हम कर चुके थे। अब तीसरी चीज़ पे आ रहे थे हम, जिसका नाम है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सी से डिस्टेंस कितना है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन इट डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जो क्लाइमेट है वो डिपेंड करता है फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द सी। जो जगह सी के क्लोज होती है, उस जगह का टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। लेकिन जो जगह सी से दूर होती है, उस जगह का टेम्परेचर एकदम तो हॉट हो जाता है और एकदम ही धीरे, मतलब एकदम ही लो भी हो जाता है। द प्लेसेस नियर द सी हैव मॉडरेट क्लाइमेट। मॉडरेट का मतलब होता है बीच का टेम्परेचर, बिल्कुल बीच वाला सा टेम्परेचर रहता है, ना ज्यादा हॉट होता है ना ज्यादा कूल होता है, ठीक है। जो प्लेसेस होते हैं नियर द सी, वो उनके पास क्या होता है, वो ऐसा क्यों होता है कि उनका एटमॉस्फेयर हमेशा कूल रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो जब गर्मी होती है, ठीक है, गर्मी होती है तो लैंड बहुत जल्दी तप जाता है। जब गर्मी होगी तो लैंड बहुत जल्दी तप जाएगा, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा जब गर्मी है ना। तो इस वजह से जब लैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन पानी जो है, पानी धीरे धीरे गर्म होता है, पानी धीरे धीरे ठंडा होता है, दोनों चीज़ें धीरे धीरे होती है पानी में, ठीक है। तो जब लैंड एकदम गर्म हो जाता है तो क्या होता है, समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं लैंड की तरफ आने लगती हैं। समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं लैंड की तरफ आने लगती हैं, तो उसको हम बोलते हैं द प्लेसेस एक्सपीरियंसेस कूल सी ब्रीज। गर्मियों में यहाँ पे सी ब्रीज आएगी। सी ब्रीज मतलब जो समुद्र से ठंडी हवा आती है, समुद्र से ठंडी हवा आती है इनके कोस्ट पे, जो कोस्टल एरिया है उन एरियाज पे समुद्र से ठंडी वाली हवा आती है, ठीक है। प्लेसेस अवे फ्रॉम द सी में क्या होता है, ऑन द अदर हैंड द प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द सी डोंट एक्सपीरियंस द सी ब्रीज। जो प्लेसेस दूर होते हैं समुद्र से, वो सी ब्रीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे समुद्र की ठंडी हवाएं भी नहीं आएंगी, इतनी दूर तो पहुँच ही नहीं सकती समुद्र की हवाएं, है ना। तो इसलिए जो लैंड है वो, अभी भी मैंने बताया कि बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो जब लैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो जैसे कि आप समर की पिक्चर देख रहे हो, तो नॉर्थ इंडिया में समर इतनी बुरी तरह से बहुत ज्यादा गर्मी वाला होता है, ठीक है। लेकिन उसी तरह ठंड में, अगर हम ठंड में देखें तो ठंड में एकदम से ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि ठंड में लैंड बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, ठंड में लैंड बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, ठीक है। इसलिए ठंडी में, नॉर्दर्न रीजन में जो नॉर्थ इंडिया है वहां पर ठंडी भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन सी के क्लोज जो एरिया है, ना तो वहां पे ज्यादा ठंडी होती है ना ही ज्यादा गर्म होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे मॉडरेट सी के हवाएं आती रहती है, सी ब्रीज आती रहती है। मुंबई इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, इट एक्सपीरियंसेस द मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। जो मुंबई है वो सी कोस्ट पे है, राइट। तो कोस्ट पे होने की वजह से मुंबई का हमेशा टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ऑलमोस्ट वहाँ का टेम्परेचर सेम रहेगा, ना ही ज़्यादा गर्म होगा गर्मियों में ना ही सर्दियों में ज़्यादा ठंडा होगा, ठीक है। जबकि जो दिल्ली है, ऑन द अदर हैंड दिल्ली इज फार फ्रॉम द सी एंड देयर फॉर इट एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम हॉट एंड एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। लेकिन जो दिल्ली है वो बहुत दूर है कोस्टल एरिया से, इसीलिए दिल्ली में गर्मी भी ज़्यादा होती है, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होती है और सर्दियों में सर्दी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे पास समुद्र की सी की अच्छी वाली जो ब्रीज है को इन्फ्लुएंस नहीं है, इसलिए दिल्ली में एकदम एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा, या तो बिल्कुल हॉट होगा या बिल्कुल कोल्ड होगा, ठीक है। अब देखो दोबारा से इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। द क्लाइमेट ऑफ प्लेस डिपेंड ऑन द सी, जिसके डिस्टेंस फ्रॉम द सी कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अगर सी के क्लोज है तो सी से ठंडी हवाएं आती रहेंगी, सी की मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहती रहेगी, जिसकी वजह से कभी भी
ना तो ज्यादा गर्मी होगी ना ज्यादा सर्दी होगी, क्योंकि जो सी के क्लोज एरिया होगा ना वो ज्यादा जल्दी गर्म होगा ना ही वो ज्यादा जल्दी ठंडा होगा, जैसे कि लैंड हो जाता है। देखो सिंपल सी बात है, जो लैंड होता है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन पानी ऐसे नहीं होता है। ना तो पानी इतनी ज्यादा जल्दी ठंडा होता है ना ही पानी इतनी ज्यादा जल्दी गर्म होता है। इसलिए जो कोस्टल एरिया होते हैं ना ही वो ज्यादा जल्दी ठंडे होते हैं ना ही वो ज्यादा जल्दी गर्म होते हैं। तो कोस्टल एरिया ना ज्यादा जल्दी ठंडा होगा ना ज्यादा जल्दी गर्म होगा, ठीक है। इसलिए कोस्टल एरिया पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, कोस्टल एरिया पे क्या रहता है, मॉडरेट क्लाइमेट, बीच का क्लाइमेट रहता है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, ठीक है। लेकिन जो प्लेसेस उससे दूर है, सी से दूर है, जैसे कि दिल्ली, जो प्लेसेस अवे हैं फ्रॉम द सी, उन प्लेसेस में हीट भी ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं वो प्लेस, और कूल भी ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। देखो प्लेसेस अवे फ्रॉम द सी जो हैं वो क्योंकि वो लैंड पे हैं, ठीक है, वो लैंड पे है, पानी तो है नहीं कि पानी ना तो ज़्यादा जल्दी गर्म हो ना ज़्यादा जल्दी ठंडा हो, वो लैंड पे है, लैंड तो ज़्यादा जल्दी गर्म भी होता है, लैंड ज़्यादा जल्दी ठंडा भी होता है। तो इसलिए जो प्लेसेस उससे सी से दूर हैं वो फटाफट से ठंडे हो जाते हैं, तो ज़्यादा विंटर हो जाती है, ठंडी ज्यादा हो जाती है, और फटाफट से गर्म हो जाते हैं तो समर में गर्मी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से क्लाइमेट का फर्क पड़ता है सी के डिस्टेंस से, कि कितनी दूरी पर है सी, उससे हमें फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ विंड। देखो अब द विंड ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड इज कॉल्ड ओन शोर विंड और द सी ब्रीज। जो हवा सी से आती है, दिख रही है यहाँ पे आपको वीडियो में, जो हवा सी से लैंड की तरफ आ रही है, सी से लैंड की तरफ आ रही है, उसको हम ऑन शोर विंड बोलते हैं। ऑन शोर विंड जो कि विंड आपकी सी से लैंड की तरफ आ रही है, उसको हम ऑन शोर विंड बोलते हैं। जो ये विंड होती हैं, क्योंकि ये पानी के ऊपर से आ रही है, ये विंड्स पानी के ऊपर से आ रही है ना, समुद्र के ऊपर से आ रही है, इसलिए ये अपने अंदर बहुत सारा पानी भर के लाती है, इसलिए अपने अंदर बहुत सारा पानी भर के लाते हैं, जो आपको दिख भी रहा होगा कि क्लाउड के रूप में जो इसके साथ आया है, ये अपने साथ बहुत सारा पानी भर के लाती है। इसलिए जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पे बहुत सारी बारिश भी होती है, वहाँ पे बारिश होती है। जो विंड लैंड से सी की तरफ जाती है, जो जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, जो हवा लैंड से सी की तरफ जाती है, लैंड से सी की तरफ जाती है, उसको हम बोलते हैं ऑफशोर विंड या फिर लैंड ब्रीज। ऑफशोर विंड या फिर लैंड ब्रीज, जो ये ऑफशोर विंड होती है, देखो लैंड से, लैंड तो ड्राई है, लैंड पे कोई पानी थोड़ी होता है कि पानी की हवा पानी भर के ले जाएगी, है ना। तो ये जो विंड लैंड से जा रही होती है ये ड्राई होती है, ये बिल्कुल ड्राई होती है, ठीक है। तो एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं। द विंड दैट ब्लोस फ्रॉम लैंड टू सी, जो विंड लैंड लैंड से आ रही होती है सी की तरफ, देखो जो विंड, सॉरी दोबारा से स्टार्ट करते हैं, जो विंड सी से आ रही होती है लैंड की तरफ, देखो आ रही है ना, सी से आ रही है लैंड की तरफ, उसको हम बोलते हैं ऑन शोर विंड। और क्योंकि ये सी से आ रही है तो सी में तो पानी होता है बहुत सारा, है ना, तो बहुत सारा पानी होता है, वो हवा पानी लेके आ रही है, वो हवा पानी लेके आ रही है, और वो पानी लाके लैंड पे छोड़ रही है बारिश के रूप में। देखो ये अपने साथ पानी लाई है, ये पानी लैंड पे छोड़ेगी, इसलिए कोस्टल एरियाज में बहुत ज्यादा बारिश होती है, जो कोस्ट वाले एरिया होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। नेक्स्ट, जब कोई हवा लैंड से समुद्र की ओर जाए, जब हवा लैंड से समुद्र की ओर जाए तो उसे ऑफशोर विंड या फिर लैंड ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। जो कोई हवा लैंड से समुद्र की ओर जाए, लैंड से समुद्र की ओर जाए तो उसे लैंड ब्रीज या ऑफशोर विंड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हवा होती है ये गर्म होती है और ये ड्राई होती है, ये हवा गर्म होगी और ड्राई होगी। नेक्स्ट फैक्टर है रेनफॉल। द मॉइस्चर कंटेंट और द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। देखो हवा में जितनी नमी होती है, हवा में जितनी नमी फील होती है हमें, हवा में जितने वाटर वेपर होते हैं उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जो हवा में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी, एयर की ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ओस ओस सी दिख रही है, ओस ओस सी है, इसका मतलब पानी पानी सा है, ओस किस चीज की, पानी की तो होती है, तो मतलब एयर में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, ठीक है। ह्यूमिडिटी अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द
प्लेस एज इट कॉजेज रेनफॉल. देखो जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, जहाँ पे ज़्यादा एयर में पानी होगा, तो वहाँ पे बारिश होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, है ना. जहाँ की एयर में पानी ज़्यादा है वहाँ पे बारिश होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे. इसीलिए जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे बारिश भी होती है, वहाँ पे बारिश भी होती है. इन कोल्ड प्लेसेस, जो जो बिल्कुल ठंडी जगहें होती है, ठंडी जगहों पे बारिश तो नहीं होती पर स्नोफॉल होता है. बारिश की जगह वहाँ पे स्नोफॉल होता है, पानी बिल्कुल ठंडा होके स्नो की फॉर्म में गिरता है. ठीक है. जो एयर में ह्यूमिडिटी होती है, मतलब कि एयर कितनी गीली होगी, वो डिपेंड करता है दो फैक्टर पे. एक तो डायरेक्शन फ्रॉम द सी, जो हमने देखा, अगर सी के क्लोज है तो सी तो अपने पास से पानी लाएगा और हवा में पानी भर देगा, है ना. सी के पास से पानी आता जाएगा, तो कोस्टल एरिया में तो बहुत सारा ह्यूमिड चीज हवा मिलेगी. लेकिन जो एरिया समुद्र से दूर है वहाँ पे तो गर्म हवा आएगी, वहाँ पे तो बहुत ही गर्म हवा होगी, है ना. तो ये जो फार फ्रॉम एरिया होते हैं वो कम ह्यूमिड होते हैं, लेकिन जो सी के क्लोज एरियाज होते हैं वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होते हैं. ठीक है. द कोस्टल एरियाज आर मोर ह्यूमिड. जो कोस्ट के एरिया है, जो हाईलाइट करके दिखाए हुए एरियाज हैं, वो ज़्यादा ह्यूमिड होंगे. क्यों? क्योंकि उनके पास पानी है. बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ये जो ये सब है ना, इन सी से पानी आता है. वो पानी एयर में भी है, तो इन इन जगहों का टेम्परेचर, इन जगहों की एयर जो होगी उसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा. ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी होता है एयर में वाटर का कंटेंट, एयर में वाटर का कितना कंटेंट है. दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? एयर में वाटर का कंटेंट. द कंटेंट ऑफ वाटर इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी. द कंटेंट ऑफ वाटर इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी. ठीक है. तो पानी पानी के आसपास वाले एरिया में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी और पानी से दूर वाले एरिया में कम ह्यूमिडिटी होगी, है ना. ऐसे ही होगा, तो ऐसा ही होता है. ठीक है. तो ये तो अब हमने इस वीडियो में सीखा है कि क्लाइमेट को फैक्टर कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं. सबसे पहले डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. जो क्लाइमेट है वो इक्वेटर से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. जो भी एरिया इक्वेटर के पास होगा वो हॉट होगा, और उससे दूर जाता जाएगा तो कूल होता जाएगा. ये हमने पढ़ा था पहली वीडियो में. फिर हमने देखा ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट. जितना ज़्यादा ऊपर जाता जाएगा, जितना ज़्यादा ऊपर जाते जाएंगे हम, उतना ज़्यादा टेम्परेचर कम होता जाएगा. हाइट पे टेम्परेचर कम हो जाता है, जितने ऊपर हम जाएंगे उतना टेम्परेचर कम हो जाता है. इसलिए हिली एरिया में ठंड होती है, इसलिए हिल एरिया में ठंड होती है ना. नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम सी. जब हम सी के पास होंगे तो सी की ठंडी ठंडी हवा हमारे पास आएगी कोस्ट, क्योंकि जो सी है ना वो ज़्यादा जल्दी गर्म होता है ना ज़्यादा जल्दी ठंडा होता है ना. इसलिए सी की मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस, मॉडरेटिंग विंड्स जो हैं वो लैंड पे आती रहेंगी, और जो कोस्टल एरिया है वो ना ज़्यादा ठंडा होगा ना ज़्यादा गर्म होगा. लेकिन जो प्लेसेस अवे हैं सी से, जो सी से दूर प्लेसेस हैं, वो प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा. वो प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा. वो एकदम से ठंडे हो जाएंगे और एकदम से गर्म हो जाएंगे, एकदम से ठंडे एकदम से गर्म हो जाएंगे. ठीक है. ऑन शोर विंड क्या होती है? ऑन शोर विंड होती है जो विंड समुद्र से लैंड की तरफ आ रही होती है. समुद्र से लैंड की तरफ जो विंड्स आ रही होती हैं उन्हें हम ऑन शोर विंड बोलते हैं. ऑफ शोर विंड किसे बोलते हैं? वो विंड्स जो लैंड से समुद्र की तरफ जा रही होती हैं, जो लैंड से समुद्र की तरफ जा रही होती है उसे हम ऑफ शोर विंड बोलते हैं. फिर हमने देखा ह्यूमिडिटी क्या होती है. द मॉइस्चर कंटेंट और वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी. जो मॉइस्चर कंटेंट होता है एयर में प्रेजेंट, या वाटर वेपर जो होते हैं वो, उसको ही हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं. जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है ना, इसको ही हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं. तो यहाँ पे आपका चैप्टर हुआ है कंप्लीट. और इसके रिगार्डिंग आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए. थैंक यू सो मच.